श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के सबका प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल ने करनाल दे विच किसानां दे होए लाठीचार्ज के उपर अपना बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि यह काफ़ी दुखद घटना है और इस दे विच एक किसान की मौत भी हो गई है, पर सरकार अजे तक खामोश है। इस अंदोलन दे विच पंजाब, हरियाणा, यूपी अते होर स्टेटां दे किसान भी शामिल हैं। सरकार नूं उन्हां दी गल सुननी चाहीदी है ते इस मुद्दे का हल कढ़ना चाहिए। उन्होंने 2022 दीआं आगामी विधानसभा चोणां नूं लैके भी कहा है कि कांग्रेस जिहदे विच आपसी ग्रह कलेश चल रहा है, वो आपस दे विच ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, सिद्धू तनाव च ने ते कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनाव च ने, इस सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने दसिया कि श्रोमणी अकाली दल इस बार फिर अपनी सरकार बनाई जा रही है, ऐसी हवा बनती पई है कि लोगों के दिलों के श्रोमणी अकाली दल वस गया है। लोग यकीन करते हैं और जो कहते हैं वो ही करते हैं। बेअदबी का मुद्दे बारे उन्होंने बोलदिया कहा कि बेअदबी का मुद्दा सिर्फ एक सियासी मुद्दा बन गया और सिर्फ वोटों की सियासत हो रही है। आप जानते उन्होंने की कहा? देखो, जो किसानों का मसला है तकरीबन एक साल तो लगभग हो गया है और जो पंजाब दे नहीं सगों सारे देश दे किसान जिहड़े ने वो अपने हक्कां दी लड़ाई लड़ रहे ने। तीन काले कानून जिहड़ा मोदी सरकार ने पास किए ने, उन्हां तिन्ने काले कानूनां रद्द कराउण दे विच ते सारे पंजाब दे पहला मोढ़ी बन के किसान चले, उन्हां दे नाल अज हरियाणा, यूपी, होर भी प्रदेशों के जिहड़े सी किसान रल गए ने। वड्डी गिणती दे विच ओह दिल्ली दी बरूहां दे उत्ते बैठे अपना संघर्ष कर रहे ने। बहुत लंबा संघर्ष हो गया और इत्थों ही तक के किसानां ने जिथे सियालां दीआं अपनीआं रातां भी इत्थे कट्टीआं, मीह बारिश होइआ तां भी इत्थे रहे, गर्मियां विच भी इत्थे रहे। इत्थों तक के बड़े दुख की गल है, 550 किसानां तों वध जिहड़े ने ओह इस संघर्ष दे विच शहीद हो चुके ने। लेकिन बड़े दुख की गल है कि अज हिंदुस्तान की सरकार जिहड़ी है उहदे ते जूं नहीं सरकदी और कोई भी किसानां दा मसला जिहड़ा है वह हल नहीं कर ली। सगों किसानां दे उत्ते जिथे वह संघर्ष करते हैं जां किसान किसी लीडर का घराओ करते हैं उत्थे उन्हां दे उत्ते लाठियां बाहियां जांदियां ने, तशद्दुद किया जाता है। हुणे हुणे जो करनाल दे विच बहुत वड्डी माड़ी घटना वापरी है जिथे किसानां ने अपना जिहड़ा रोस कर रहे सन उत्थे घराओ कर रहे सन उन्हां दे उत्ते लाठियां बाहियां गई, एक किसान शहीदी भी हो गया, उत्थे बहुत सारे फटड़ भी होए। तुसीं आप मीडिया विच देखिया, तुसीं तां सारा ये किसानां दे संघर्ष दे नाल जुड़े हुए हो और किवें खून बह रहा किसानां दे उत्ते। सो ये बहुत बड़े दुख की गल है, जो किसानां दीआं मंगां मनण दी बजाय अज किसानां दे उत्ते तशद्दुद किया जा रहा है और किसानां नूं कुट्टिया मारिया जा रहा है। सो मैं समझदा कि ये बहुत दुख की गल है। किसान जिहड़े ने अज जिथे असीं उन्हां नूं कहने कि किसान जिहड़े ने और अन्नदाता उन्हूं कहा जाता है, सारे हिंदुस्तान रोटी देंदे ने, सारे हिंदुस्तान का पेट पालते हैं, अज वो अपने रोजी रोटी दे लई, अपने जमीन दे लई, अपने हकों दे लई बड़ी वड्डी तकड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं और डांगा भी पै रही ने उन्होंने उत्ते। और मैं समझदा कि इन्हों का जो मसला जल्द तो जल्दी हल होना चाहिए। जिहड़ी भारत की सरकार है, साडे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और उन्होंने खास तौर पर ध्यान दे के इस वल तवक्को दे के तीन काले कानून जिहड़े ने ये रद्द करने चाहिए ने। दुष्यंत चौटाला भी हैं हरियाणा के, उसी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो किसान है वो पंजाब से आए हुए हैं और पंजाब के एजेंट है और किसान नहीं है, उसी की ये मैं समझना जो ये ला रहे ना दोष भी पंजाब के किसान ने, पंजाब तो नहीं आए। अज तक तुम सारे देख रहे हो, सारे मीडिया नूं पता है, नैशनल पद्धर ते सारी गल जी है, कल्ले पंजाब दे किसान नहीं, हरियाणा दे विच देखो किन्ने किसान ने, रोज़ मुजाहरे हो रहे ने, रोज़ जिहड़े जिहड़े हरियाणा दी सरकार दे मंत्री ने जां उहदा मुख्यमंत्री उहदा घराओ कर रहे ने। किड्डा वड्डा संघर्ष हो रहा है, यूपी दे विच देखो किड्डा वड्डा संघर्ष है, टकैत साहब जिहड़े अगवाई कर रहे ने वो यूपी दे भी ने, राजस्थान च भी आ रहे ने, मध्य प्रदेश च भी, सारे देश दे वख-वख राज्यां दे विचों किसान आ रहे ने, कल्ला पंजाब दा किसान नहीं सगों सारे हिंदुस्तान दे वख-वख राज्यां दे किसान जिहड़े ने वो लड़ाई लड़ रहे ने। पंजाब के कांग्रेस के नेता है मलविंदर सिंह मल्ली, लगातार की विरोध की बात करते हैं, आप कैसे देखते हैं क्योंकि चुनाव नज़दीक है पंजाब में? देखो, जो पंजाब दे कांग्रेस दा जिहड़ी पार्टी है उहदे नवजोत सिंह सिद्धू जी प्रधान बने ने,
और पहले ही सिद्धू साहब बड़े विवादों में ने, फिर उन्हें अपना सलाहकार जी की माली की गल कर बलविंदर सिंह माली है जोड़ा वो अपना उन्हें सलाहकार लाया, उन्हें बड़े विवाद जोड़े से उन्होंने बयान दिए कश्मीर के बारे गल की है, कश्मीर जोड़ा है पंजाब का एक हिस्सा है, पंजाब का टुट जोड़ा है हिस्सा होया, सो उन्हें बखा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह विवाद जोड़े बयान दे रहे ने यह देश के विरोधी ने और देश में बखरे करने वाले बयान जोड़े ने वो दते जा रहे हैं। चुनाव में आपको इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? क्योंकि श्रोमणि अकाली दल की बात करें तो वो काफ़ी सक्रिय हो चुकी है, चुनाव से पहले कुछ महीने बचे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? जो पंजाब के जोड़ा हम बहुत नज़दीक जो 1922 चोणा आ रही ने 2022 के विच जिहड़ी चोण आ रही है उहदे लई सरगर्मियां सारी पार्टियां ने शुरू हो चुकियां ने, जिथे तो कांग्रेस का हैगा वह काटो कले चल रहा, तुसीं सोरे रोज़ ही देख रहे हो, कुछ इत्थे दिल्ली आ रहे ने उन्हां दे लीडर, कोई पंजाब दे विच है, अज दो धड़ियां विच जिहड़ी पंजाब कांग्रेस बट चुकी है, एक पासे सिद्धू धड़ा हो गया, एक पासे जिहड़ा है साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह दा धड़ा हो गया, वह दोनों धड़े अपनी जोरम अजमाई कर रहे हैं, सो उहदे विच कांग्रेस तां बहुत कमज़ोर हो चुकी है। दूसरी गल यह है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वादे किए थे और गुटके की सहुं खा के उन्होंने गुरबाणी की सहुं खा के जोड़े वादे किए थे, अज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया, साढ़े चार साल सरकार नूं हो गए लेकिन ना किसी रुजगार मिले, ना किसानों के जोड़े और इन्हों के कर्जे ने वो माफ़ हुए, ना कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं होया, सो इसलिए कांग्रेस नूं सरकार नूं चलदा करना चाहते हैं। तीजा है पार्टी जी आम पार्टी है, आप पार्टी के कोई लीडर ही नहीं है, उन्होंने कोई एजेंडा ही नहीं है, ना उन्हें कोई संगठन है पिंडा तक, तो इस करके मैं समझना कि अज जी श्रोमणी अकाली दल है जिसके प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल ने और उन्होंने 100 दिन का 100 हल्कों का एक प्रोग्राम बनाया, वो बहुत ही कामयाबी के नाल प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बड़े कट्ठ जिथे सरदार सुखबीर सिंह बादल जाते हैं उन्होंने हल्कों में कट्ठ हो रहे हैं, और मैं समझना कि एक हवा ऐसी बन रही है कि आने वाले 2122 दी जिहड़ा चोणा आ रही ने और लोग चाहते हैं कि श्रोमणी अकाली दल पार्टी है जिहड़ी वादा करती है वो पूरा भी करती है, 13 नुकाती प्रोग्राम भी जिहड़ा सरदार सुखबीर सिंह बादल ने लोगों वास्ते दिता है, पहला ही प्रकाश सिंह बादल ने जो वादे किए सन और वो पूरे किए, इस करके पंजाब के लोग जिहड़े ने श्रोमणी अकाली दल ते यकीन करते हैं, वो यकीन करके असी सानू इस तरह लगता कि जो 2122 दे विच चोण आ रही है श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी। सर बेअदबी मुद्दा किस तरीके से रहने वाला है चुनाव के? देखो मदबी जिहड़ा है ये एक सियासी मुद्दा बन गया, पहला भी असीं हमेशा कहिंदे सी कि जिहड़ा बेअदबी का मुद्दा है बहुत, देखो बेअदबी हुई है हर सिख हर पंजाबी दे हिरदे बलूंदरे गए ने, इह बहुत ही घिनौ ये माड़ी गल हुई है, लेकिन ये तो सियासत की जा रही है, साढ़े चार साल तो सियासत हो रही है, असीं कहिंदे भी जिहने भी बेअदबी की है उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए है, लेकिन इस दे बजाय तो सारी सियासत हो रही है, वोटां दी सियासत हो रही है, सो ये सारे कुछ हुण लोग जिहड़े ने वो जान चुके ने, इन्हां दे गल्लां विच जिहड़े पंजाब दे लोग नहीं आउणगे। लंगोवाल साहब आप SGPC के प्रधान रहे हैं, आपके दो आपके कार्यकाल के दौरान भी 328 स्वरूप जो है वो मिसिंग पाए गए थे, उस पर अभी क्या चल रहा है, क्या उसकी जो जाँच है वो चल रही है? देखो जिहड़ा 328 स्वरूपां दी गल है ये जदों मैं प्रधानमंत्री तों पहलां दी गल है, ये 2015 हुई सी, 2015 जी ये मसला होया सी, मैं समझना कि उदों का ये चल रहा है केस, लेकिन असी उहदी इनकुआरी भी कराई, जिहड़े भी दोषी पाए गए ने उन्हां नूं बहुत सख्त तो सख्त जी है वह सज़ा दी गई हैगी, और कई टर्मिनेट किया गया, कई सस्पेंड किया गया, उन्होंने सारे जी सज़ा दी गई है, सो मैं समझना कि वो जिहड़ा अकाल तख्त साहब के उत्ते मामला चला गया, अकाल तख्त साहब ने भी सारी यदि जाँच करवाई सी और अपनी 3 मैंबरी कमेटी बना के उसकी जाँच हुई सी, वो जाँच के जो दोषी पाए उन्होंने सारे सज़ा दी गई है। देखो जोड़ा है बयान भी आ चुका है सारा, जोड़ा है चीफ सैकटरी है उन्हें सारा डिटेल्स बयान देता भी जोड़ा भी कोई अपने इतिहासक थान है उन्होंने छेड़िया नहीं जाएगा, जिहड़ा भी गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल जां इतिहास दे नाल जुड़ी हुई है पुरातन जो हैगी साडियां इमारतां उन्हें बिल्कुल कायम रखा जाएगा, उन्हें बिल्कुल नहीं छेड़ असी किसी गल उहदे छेड़ांगे नहीं। क्या उसको जिस तरीके से नवीकरण की बात चल रही थी अब उसको रोक दिया जाएगा या फिर किस तरीके से उसका नवीनीकरण किया जाएगा? जी बाकी जिहड़े पुरातन जिहड़ियां इमारतां साडियां उन्होंने छेड़िया जाएगा, बाकी साढ़े जिहड़े इमारतां दे कम चल रहे हैं।
जिन्ना भी हम देखो जोड़ा घर बन रहा है श्री अकाल तख्त साहब ने जोड़ा जोड़ा घर है वह भी जी है सारी इमारत जो कम चल रहा है। अकाल चैनल नू सब्सक्राइब करो नवी वीडियोस दी नोटिफिकेशन दे ले बेल आइकन नू क्लिक करना ना भूलना बोले।